हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम नोज़ को ड्रॉ करने वाले हैं। वैसे तो गाइज़, नोज़ सभी डिफरेंस फोटो में डिफरेंट डिफरेंट एंगल से होती है, तो गाइज़ इस वीडियो में हम फ्रंट नोज़ को ड्रॉ करने वाले हैं। तो गाइज़, इस ड्राइंग को करने के लिए मैं यहाँ पर A4 साइज के 200 GSM वाले ब्रस्टो पेपर का यूज कर रहा हूँ। एंड गाइज़, इसी के साथ इस ड्राइंग को करने के लिए मैं यहाँ पर आर्ट लाइन की ग्रेफाइट पेंसिल का यूज करूंगा। तो गाइज़, सबसे पहले मैं यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल से रेफरेंस फोटो के डायरेक्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली नोज़ की आउटलाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। गाइज, मैं नोज की आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए फ्री हैंड मेथड का ही यूज कर रहा हूँ। गाइज, अगर आपसे फ्री हैंड मेथड से एक परफेक्ट आउटलाइन नहीं ड्रॉ होती है तो आप ग्रिड मेथड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रिड मेथड से आपको एक ही बारगी में कंप्लीट आउटलाइन को ड्रॉ नहीं करना होता है, क्योंकि आपको वहां पर बॉक्स बॉक्स के जरिए कंप्लीट आउटलाइन को ड्रॉ करना होता है। गाइज, मैंने मैकेनिकल पेंसिल से कंप्लीट आउटलाइन को ड्रॉ कर लिया है। वैसे तो गाइज, अगर आप नोज की आउटलाइन को 2 से 3 बार बनाने की प्रैक्टिस करते हैं तो गाइज, अगली बार से आप बिना देखे ही इजिली परफेक्ट आउटलाइन को ड्रॉ कर पाएंगे। इसके बाद गाइज, मैं मैकेनिकल पेंसिल से रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को ऑब्जर्व करके सिंपली शेड कर रहा हूँ। जहां पर भी रेफरेंस फोटो में मुझे एकदम से ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं, मैं वहां पर थोड़ा प्रेशर देके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइज, जहां पर भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज है, मैं उस जगह को छोड़कर ही शेड कर रहा हूँ। जैसे कि गाइज, नोज़ के दोनों साइड में थोड़े ज़्यादा डार्क एरियाज हैं, तो मैं वहाँ पर सिंपली थोड़ा प्रेशर देके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइज, नोज़ के जो बीच में सिंपली हाईलाइट एरियाज दिख रहे हैं, मैं उस जगह को छोड़कर ही शेड कर रहा हूँ। गाइज, मैंने रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को ऑब्जर्व करके कंप्लीट पार्ट में सेटिंग कर ली है। इसके बाद गाइज, मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट पार्ट में हल्के हाथों से ब्लेंड कर रहा हूँ। तो गाइज, मैंने मेकअप ब्रश से कंप्लीट पार्ट में ब्लेंडिंग कर ली है। इसके बाद गाइज, मैं सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए रेफरेंस फोटो में डार्क एरियाज को ऑब्जर्व करके आर्ट लाइन की 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके सेटिंग कर रहा हूँ। एंड गाइज, 4B ग्रेड की पेंसिल से मैं जहां पर भी एकदम से ज्यादा डार्क एरियाज है, मैं वहां पर थोड़ा प्रेशर देके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइज, जहां पर भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज है, मैं उस जगह को छोड़कर ही शेड कर रहा हूँ।
तो गाइज मैंने 4B ग्रेड की पेंसिल से भी कंप्लीट पार्ट में सेटिंग कर ली है। इसके बाद गाइज मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके दोबारा से कंप्लीट पार्ट में हल्के हाथों से ब्लेंड कर ले रहा हूँ। तो गाइज मैंने हल्के हाथों से कंप्लीट पार्ट में ब्लेंडिंग भी कर ली है। इसके बाद गाइज मुझे रेफरेंस फोटो में जहां पर भी एकदम से ज़्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं, मैं वहां पर आर्ट लाइन की 10B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेडिंग कर रहा हूं। तो ओके गाइज 10B ग्रेड की पेंसिल से भी मैंने कंप्लीट पार्ट में सेटिंग कर ली है। इसके बाद गाइज मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके इसे भी वैसे ही ब्लेंड कर रहा हूँ। तो गाइज मैंने मेकअप ब्रश से भी कंप्लीट पार्ट में ब्लेंडिंग कर ली है। इसके बाद गाइज मुझे रेफरेंस फोटो में जो हाईलाइट एरियाज दिख रहे हैं उनको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली नीडेड इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर रहा हूँ।